छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासनकाल के दौरान फर्जी राशन कार्ड से जुड़ा घोटाला सामने आता दिख रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में दिसंबर 2013 से 2018 के बीच 10 लाख फर्जी राशन कार्ड से तकरीबन 11 लाख टन चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। घोटाला सामने आने के बाद अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने जांच के बाद तत्कालीन खाद्य अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करीब 2800 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। बीजेपी सरकार में हुए इस घपले को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार ने नए सिरे से इसकी जांच शुरू कर दी है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पहचाना जा सके। जांच के अनुसार इस घोटाले को प्रदेश में PDS का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जांच में पता चला कि राशन दुकानों में चावल और दूसरी खाद्य सामग्री पहुंचाने के साथ साथ उसके सत्यापन की जिम्मेदारी संचालन आले और जिले के जिन अफसरों पर थी, उन्होंने ही पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड छपवा दिए। इसके साथ ही जांच में यह भी बात सामने आई कि अधिकतर राशन कार्ड में नाम और पता फर्जी थे, लेकिन इन कार्डों पर हर महीने राशन दिया जाना जारी रहा था। राशन में चावल मुख्य रूप से था। इन्हीं चावलों को राशन माफियाओं ने ब्लैक में खुले बाजार में बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। मामले में EOW अफसरों ने बताया कि जांच में घोटाले का तरीका और शासन को पहुंचाई गई हानि सामने आ गई है। अब यहां पता लगाया जा रहा है कि इनमें से किन अफसरों की क्या भूमिका थी, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। EOW के अनुसार यह सारा गोलमाल सितंबर 2013 में शुरू हुआ था। उस दौरान खाद्य विभाग ने राज्य में नए सिरे से राशन कार्ड जारी करना शुरू किया था। उस समय प्रदेश में BPL परिवारों की संख्या 56 लाख थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 72 लाख कर दिया गया। इसके अनुसार 16 लाख अतिरिक्त परिवारों को PDS के अंतर्गत मिलने वाले चावल का पात्र बना दिया गया। वहीं करीब 10 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड ज्यादा छापे गए और इस आधार पर राशन का चावल निकलने लगा। यह पूरा माजरा दिसंबर 2016 तक चला और इसकी मदद से हर महीने इतने कार्ड के हिसाब से 11 लाख टन से ज्यादा चावल निकाल लिया गया। मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराओं सहित धारा 420, 467, 471, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। देखा जाए तो केंद्र की BJP सरकार खुद भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर उनके ही कार्यकाल में इस प्रकार के घोटाले सामने आते देखे जा सकते हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।